आप राज्य से क्या मांगेंगे? आप पहले बात में कर रहे हैं कि राज्य हमें भी मोदी बना दीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिए। प्राइम मिनिस्टर का पद तो बहुत बड़ा है, मेरे पास सुंदर से आज सिफारिश लेकर आते हैं कि स्वामी जी आप राज्य से प्रार्थना कर दीजिए कि ये व्यक्ति MLA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, और उससे भी छोटे पदों के लिए आते हैं। हंसी आती है कि हम राज्य से क्या मांग रहे हैं। देखिए, आज से 2000 वर्ष पहले सिकंदर जो ईरान का रहने वाला था, ईरान को जीता, अफगानिस्तान को जीता, भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत में जब वो एक जगह भ्रमण कर रहा था, एक सन्यासी मिला, तो उस सन्यासी से सिकंदर के सैनिकों ने कहा कि विश्व विजेता का सम्राट सिकंदर आ रहे हैं, आप उन्हें झुककर प्रणाम करो। सिकंदर के सैनिक उस बात को सुनकर सन्यासी ने मुस्कुरा दिया, वो सैनिक चला गया। दूसरा सैनिक आता है, कहता है कि सावधान हो जाओ, अभी सम्राट सिकंदर पधार रहे हैं। उसकी बात को अनसुना कर दिया। थोड़ी देर में स्वयं सिकंदर आ पहुंचा। सन्यासी ने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। सिकंदर को बहुत गुस्सा चढ़ा, कहता है कि सन्यासी तुम नंगा धंगा, मैं विश्व विजेता सिकंदर, क्या मुझे देखकर तुझे भय नहीं लगता? सारी दुनिया मुझे प्रणाम करती है, सिर झुकाकर अभिवादन करती है, और तू मेरी तरफ देख रहा है, प्रणाम भी नहीं करता। सन्यासी मुस्कुराया और कहा कि जिनको मैंने दास बना रखा है तुम उनके दास हो, मेरे दासों के दास तुम हो, तो मैं तुमको कैसे प्रणाम करूं? सिकंदर को बहुत क्रोध आया, कहते हैं कि मैं तुम्हारे दासों का दास हूं, कैसे संभव है? सन्यासी कहता है कि देखो, तुम काम के अधीन हो, क्रोध के अधीन हो, लोभ के अधीन हो, मोह के अधीन हो, अहंकार के अधीन हो, तुम्हारे तो 6 शत्रु हैं जिनके तुम अधीन हुए पड़े हो, और जिनके तुम अधीन हो उन काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार को मैंने बस में कर रखा है, वो मेरे अधीन है। जब तुम मेरे नौकरों के नौकर हो तो मैं तुमको कैसे प्रणाम करूं? सिकंदर को अपनी भूल का आभास हो गया और उसने सोचा कि सचमुच कोई भी व्यक्ति धन संपदा से बड़ा नहीं होता, सम्राट बन जाने से बड़ा नहीं होता, बड़ा कैसे होते हैं? व्यक्तित्व से। मनुष्य का व्यक्तित्व कैसे बनता है? जब वो तृष्णाओं को पार कर ले। यदि कोई व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, सोने के महल में रहता है, सोने का सिंहासन होता है, फूलों की कोमल सैया पर सोता है, 56 व्यंजन का भोजन करता है, तो उसका अर्थ नहीं है कि वो महान बन गया। आजकल महान किसको माना जाता है? जिसके पास माया हो। जो सन्यासी वर्ग में भी आजकल बड़ा महाराज किसको माना जाता है? जिसकी गाड़ी बहुत महंगी हो, 34 लाख से कम हो, जो फॉर्च्यून गाड़ी में चलता हो, या 50 लाख की BMW में चलता हो, हजारों जय जयकार लगाने वाले शिष्यगण हो। कुंभ के यात्रा में तो देखते हैं ना, कुंभ के मेले में हर संप्रदाय के जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, महंत होते हैं, सिंहासन पर बैठे होते हैं, चांदी का सिंहासन होता है, उनके पीछे पीछे भाड़े के लोग रख लिए जाते हैं जय जयकार लगाने के लिए, छत्र चौर लेकर के चलते हैं, जैसे राजाओं के छत्र चौर हुआ करते थे, सेवक चला करते थे, आजकल सन्यासी भी सिंहासन पर बैठने लगे हैं, छत्र चौर लेकर के उनके शिष्य चला करते हैं। ये बड़प्पन नहीं है। गौतम बुद्ध जब संन्यास धारण किए तो जीवन भर उन्होंने कभी पैरों में, उसके समय तो आजकल की तरह जूते नहीं हुआ करते थे, विशेष प्रकार के जूते होते थे, राजसी जूतों का उन्होंने पहले परित्याग कर दिया था, खड़ा भी शायद नहीं पहनी होगी, नंगे पैर जीवन भर बुद्ध चले,
लेकिन बुद्ध के सामने सारा संसार नतमस्तक होता है, महावीर स्वामी के सामने सारा संसार नतमस्तक होता है, किंतु कुंभ के मेले में जो सिंहासन पर बैठकर जय जयकार के साथ जिनकी सवारियां निकलती हैं, हजारों लोग जिनके पीछे होते हैं, जो वातानुकूलित तंबू में रहा करते हैं, उनको संसार याद नहीं करेगा। जिन्होंने करतल बिछा तरतल वास को अपना जीवन का श्रृंगार बनाया, संसार उनके पीछे चलता है। तो याद रखिए, मन में ही संसार है। आपने यदि अपने मन को जीत लिया तो आपने संसार को जीत लिया, और जो जितने ही अपने मन को जीतता है संसार में उतना ही मोहन कहलाता है। बाहरी चमक दमक पर मत जाइए। यदि आप आज के युग में नंगे पैर हैं, आपके पास कोई ईश्वरी नहीं, बढ़िया गाड़ी नहीं, तो आपको छोटा महात्मा माना जाएगा। संसारिक जीवन में तो ये देखने को मिलता ही है, एक गृहस्थी के पास जितनी धन दौलत होगी अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी है ये। छोटा आदमी कौन होता है जिसके पास धन नहीं है। इसलिए नीति का कथन है कि सर्वे दोषा कांचनम आश्रयन्ते, सर्वे गुण कांचनम आश्रयन्ते। धन के अधीन सभी गुण होते हैं। एक गरीब आदमी यदि शराब पीता है तो कहता है कि बहुत बिगड़ गया है, और धनवान आदमी शराब पीता है तो क्या कहा जाता है, अरे बड़े लोग हैं, इनकी तो शोभा है। ऐसा नहीं है, शराब शराब ही है, बुराई बुराई ही है, चाहे कोई राजा हो या गरीब हो। यदि कोई व्यक्ति अपने विकारों से हार गया तो वो दुर्बल प्राणी है। जिसने मनोविकारों को जीत लिया वही सबसे महान व्यक्ति होता है। ये तो संसार में चला रहा है। राज्य ने हमें परम धाम का ज्ञान दिया है। उस परम धाम के ज्ञान को प्राप्त करके यदि हम अपनी आत्मा का श्रृंगार नहीं कर सकते, यहां बैठे बैठे परम धाम को नहीं देख सकते, राज्य को नहीं देख सकते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कुछ सुंदर सात वाणी के ज्ञान में निपुण होते हैं, कुछ सुंदर सात सेवा में निपुण होते हैं, कुछ सुंदर साथ धन की सेवा में निपुण होती है। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनके रहते हुए आप राज्य के प्रेम में डूब जाइए। जैसे ये आपका पैर है, पैर काट दिया जाए तो भी आप जिंदा रहेंगे, ये जांग काट दी जाए तो भी जिंदा रहेंगे, लेकिन गला काट दिया जाए जिंदा नहीं रहेंगे। कंठ सागर, सागर में क्या है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार दर्शाई गई है। कंठ नहीं रहेगा, यहां जरा सी चाकू या ब्लेड से भी ऐसे कर दीजिए दुनिया से चले जाएंगे। हार्ट है, हृदय परिक्रमा, उसमें थोड़ा सा कुछ चुभा दीजिए, हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी, आप जीवित नहीं रहेंगे। हृदय परिक्रमा कंठ सागर मुख श्रृंगार, मुख से ही तो पहचान है। यदि आपने सागर श्रृंगार परिक्रमा से नाता जोड़ लिया तो आपका क्या अस्तित्व है, आपकी आंखें नहीं रहेंगी तो भी काम चल जाएगा, काम नहीं रहेंगे बहरे तो काम आएंगे, लेकिन तो भी आप कुछ कर सकते हैं। किंतु यदि सब कुछ हो, गला नहीं रहेगा, हृदय नहीं रहेगा, तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वैसे ही आप समझिए, इस मानव जीवन में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वह है राज्य श्यामा जी की शोभा को बसाना। लेकिन देखिए, ये भाई बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ये माताओं को माया सबसे ज्यादा लगती है। इस उम्र में भी मुंह नहीं जाता, कम से कम एक घंटे के लिए तो शांत अपने मोबाइल बंद कर दीजिए। सभी
अभी इससे पहले कि दूसरे का भी फोन बजे, अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए, साइलेंट कर लीजिएगा या स्विच ऑफ कर दीजिएगा अभी। देखिए भाई, वाणी की जब चर्चा होती है तो ज्ञान का प्रभाव बह रहा होता है। ये चेतना का विषय है, चेतना शिविर है, इसमें मनोरंजन की तरफ ध्यान न देकर अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ कि सबको केंद्रित करना होता है। जो सुंदर साथ को रहा नहीं जा रहा है वो कृपया बाहर जाकर के अपनी जो बात करनी हो करें, लेकिन इस प्रांगण में जब तक मंच चल रहा है वहां जोर जोर से बातें न करें, सारा ध्यान बदल जाता है। ये कोई बीरबल और अकबर की कहानियां मंच पर नहीं सुनाई जा रही है, ध्यान की गहरी बातों की तरफ किया जा रहा है जिसको कभी बताया नहीं जाता था। अभी आसंख्या कम है, कल से गहरी बातों पर चर्चा होगी। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रयास यही रहेगा कि चितने शिविर में उन बातों पर प्रकाश डाला जाए जो परमहंसों के बीच में छिपे रहे, उसको समाज में कभी खुलेआम प्रसारित नहीं किया गया, और उन बातों के प्रसार के समय जब व्यवधान पड़ता है तो हृदय बहुत पीड़ा देता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति शोर करता है और सबका आनंद जाता है, मैं भी कोई रटा लगा करके या भाषण देने के लिए तो नहीं आया हूं या लिखित भाषण को नहीं पढ़ रहा हूं। ध्यान की गरिमा क्या है इसके लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उपनिषदों के लिए उपनिषदों की तरफ मुड़िए। प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति किसी के पास ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जाता था तो परंपरा क्या थी, समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम, हाथ जोड़कर किसी के पास जाता था कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। देखिए समित कुमार ऋषि के पास नारद जी जाते हैं, नारद जी देवताओं के भी गुरु हैं, देवर्षि कहलाते हैं। समित कुमार पूछते हैं कि आप क्या क्या पढ़े हो, नारद जी कहते हैं छांदो को प्रसन्न ये प्रश्न आता है। नारद जी कहते हैं कि मैंने चारों वेद उपांग दर्शन सब कुछ पढ़ा है। फिर पूछते हैं ब्रह्म तत्व के बारे में, सब कुछ पढ़ने के बाद उन्हें पूछना पड़ता है कि वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा। अशुपति के पास कई ऋषि जन जाते हैं किंतु क्यों, आप वेद के विद्वान बन सकते हैं लेकिन वेद के तत्ववेत्ता बनने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा। उसी तरह से आप वाणी की चौपाइयों को कंठस्थ कर सकते हैं, वाणी की कई भाषाओं में आप व्याख्या कर सकते हैं, बीते की कई भाषाओं में व्याख्या कर सकते हैं, किंतु परमहंस अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको चितवनों में डूबना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि प्रबल होती है वो चौपाइयों को कंठस्थ कर सकता है, पूरी 25 पक्षों की चर्चनी अष्टपैर की लीला को कंठस्थ कर सकता है, धारा प्रवाह बोल सकता है। लेकिन जब प्रश्न आता है कि क्या आपने उसको देखा, क्या आपने पुखराज को देखा है, हौज कोसर को देखा है, मानिक पहाड़ को देखा है, मूल मिलावे को देखा है, तो कहेगा कि नहीं मैंने तो पढ़ा है। कबीर जी एक बहुत ऊंची बात कहते हैं कि पाणी मेरा तेरा कहा एक क्यों हुई, मैं कहूं आखन देखे तू कहे पोथे देखे। तो आंखों देखने का तात्पर्य क्या है, आप चितुने में डूब जाइए और चितुने में डूबकर राज्य की शोभा को निहारिए, आपकी आत्मा जागृत कैसे होगी। देखिए आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि तारतम की एक अच्छे चौपाइयों को सुना देना, कह देना कि हमने आपकी आत्मा जागृत कर दी। तारतम के 6 चौपाइयों को ले लेने से किसी की आत्मा नहीं जागृत होती, वो तो नर्सरी की कक्षा में आपका एडमिशन करा दिया गया कि अब आपको राज्य के चार कमरों के सिवाय किसी के पीछे नहीं भागना है, राज्य को अपने दिल में बसाना है। लेकिन आप नर्सरी की कक्षा में आप प्रवेश कर लिए, पढ़ना लिखना आप कि बस की नहीं, आप पढ़ते लिखते नहीं हैं तो आप एमए तक नहीं पहुंचेंगे, पीएचडी तक नहीं पहुंचेंगे और तो और आप हाई स्कूल तक भी नहीं पहुंचेंगे। और सुंदर साथ मुग्ध हो जाते हैं कि अब हमें तारते मिल गया, अब हमारी आत्मा जागृत हो गई। हाँ, जैसे
प्राइमरी तक भी आपने पांचवी क्लास तक पढ़ ली, तो कोई पूछेगा तो पढ़े हो, कह देंगे कि हाँ पांचवी तक पढ़ा हूं, लेकिन उसको वास्तविक शिक्षक तो नहीं माना जाए, शिक्षित नहीं माना जाएगा। वास्तव में शिक्षित कौन है? जो कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लिया, इंटर तो कर लिया, और कुछ नहीं तो हाई स्कूल तो कर लिया, पांचवी क्लास तो पढ़े, को पढ़ा लिखा नहीं मानते। ऐसे ही होता है, सुंदर साहब बस तारतम ले लेते हैं, कभी कभी सेवा पूजा कर लिए, कभी दो चौपाई पढ़ लिए, चरणामृत प्रसाद ले लिए, और पूछने पर कहते हैं कि अब हमारी आत्मा जागृत हो गई। जो तारतम देते फिरते हैं, वो कंठी बांटते फिरते हैं, गले में कंठी डाल दिया, सबके कह दिया कि आज हमने इतने की आत्मा जागृत कर दी, इससे कुछ नहीं होना है। गले में के लकड़ी की माला डाल लेने से आत्मा की जागृति का कोई संबंध नहीं है। आत्मा कब जागृत होगी? हक सूरत दिल में चुभे तब रूम जागे देखो सोए। राज्य की शोभा का बसना, राज्य की शोभा कैसे बसेगी? जब राज्य की शोभा को आप आत्मसात करेंगे तो शोभा बसेगी। अभी आप किसको संसार में चाह रहे हैं? माया को। आप संसार में कहीं जाइए केवल माया का साम्राज्य है। हमारा शरीर पांच तत्वों का बना है, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहम माया का है। जीव भी माया में ही आदिनारायण की चेतना का प्रतिभास है। ब्रह्मा विष्णु महेश में शुभ माया मोह अहंकार। आप सोचिए, आदिनारायण की चेतना का प्रतिभास हमारे जीव के रूप में है, और उस आदिनारायण का प्रकटन भी किसके अंदर होता है? महासागर के अंदर। और उसी महासागर को जब हम पार करते हैं तब हमें योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश मिलेगा। योग माया के ब्रह्मांड से परे होंगे तो हमें परम धाम की झलक मिलेगी। अक्षरातीत लेकर आए हैं परम धाम का ज्ञान, लेकिन 300 वर्ष से ज्यादा हो गए परम धाम की वाणी केवल मंदिरों की शोभा बनी रही, हमारे अंतःकरण में पहुंच नहीं सके। किसी के अंतःकरण में पहुंची भी तो उसने उसको क्रियात्मक रूप में नहीं लिया। क्रियात्मक रूप क्या है? वाणी का ज्ञान हमारे आचरण में उतरे। और पूरी वाणी का सार क्या है? यदि मैं किसी से पूछूं कि पूरी वाणी का सार बताइए तो आप क्या बोलेंगे? यानी कि सारे संसार को प्रभावित कर लेना। जो कोई मारे इन दुश्मन को करे संतुनि को आसान, पहुंचावे सबूत चरण धने के तो भी लेना नितिन को मान। आपके पास इतना ज्ञान हो जाए, आपने पूरी वाणी को कंठस्थ कर लिया, कई भाषाओं में धारा पूरा बोलते हैं, संसार में आपकी जय जयकार हो रही है, और सारे संसार को भी तारतम ज्ञान देने का आप अधिकार रखते हैं, सारा संसार आपके पास आकर तारतम ज्ञान ग्रहण कर ले, आप विश्वगुरु बन गए, तो भी आप ये मत समझिए कि मैंने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो भी न लेना तीन गुमान। आपको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपने अपना अहम छोड़कर, देखिए एक लड़के कितने जोर जोर से बातें करे, भैया ऐसे बच्चों को मत लाया कीजिए यहां, यदि आप बुद्धि का अहम रखते हैं, अपनी सुंदरता का अहम रखते हैं, धन का अहम रखते हैं, पद का अहम रखते हैं, प्रतिष्ठा का अहम रखते हैं, तो ये सारी चीजें तो वैसे ही हैं जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली। आकाश में चमकती हुई बिजली कुछ क्षणों के बाद समाप्त हो जाती है। आपका यौवन, आपका धन, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, ये मात्र पानी के बुलबुले के समान कुछ समय के लिए है। आप इसी में भूले बैठे हैं। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है तो धन के कारण अकड़ा रहता है,
कोई भक्त विद्वान है तो किसी मूर्ख को अपने पास नहीं बैठने देता। कोई बहुत बड़े पद पर है, मुख्यमंत्री है, कलेक्टर है, तो किसी चपरासी को अपने पास नहीं बैठने देता, क्योंकि उसकी आत्मिक दृष्टि नहीं खुली है। वो रूप पर, धन पर, पद प्रतिष्ठा पर अपने को बड़ा माने बैठा है, लेकिन वो भूल जाता है कि जो चेतना उसके अंदर है वह चेतना उस छोटे व्यक्ति के अंदर है जो काला कलोटा है, गरीब है, समाज से पृथक है। जिसकी आत्मदृष्टि खुल जाएगी वो क्या करेगा? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कविस्ती सोचे सुपाकी चे पंडिता समदर्शना। ब्राह्मण में और चंडाल में, गाय में और कुत्ते में उसको भेद प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि जो ब्राह्मण तन के अंदर चेतन जीव बैठा है वही चेतन जीव कुत्ते के अंदर भी बैठा है, जो चंडाल के अंदर है वही ब्राह्मण के अंदर है, जो गाय के अंदर है वही कुत्ते के अंदर है, एक ही चेतना सबके अंदर है। वो समत्व भाव को प्राप्त हो जाएगा। समत्व किसको कहते हैं? जो सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, मान हो अपमान हो, सभी अवस्थाओं में सम बना रहता है वह महान होता है। इतना ऊंचा उपदेश तो गीता का है, जो गीता कहती है कि हे अर्जुन, यदि तुम उस परब्रह्म को पाना चाहते हो तो तुम तत्व ज्ञानियों की शरण में जाओ और उस अक्षरातीत की शरण में जाओ। अक्षरातीत की पूरी पहचान योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं बता पाते हैं, केवल संकेत करते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भवन। उस सच्चिदानंद परब्रह्म की शरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। कि तारतम बाने को आए हुए आज से 300 वर्ष हो गए और हमारा समाज कितना सोया हुआ है। यदि हम अपनी आत्म स्थिति का अवलोकन करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है कि हम तो संसार वालों के सामने अभी खड़े होने के योग्य नहीं हो पाए हैं, जबकि सबसे बड़ी संपदा हमारे पास है, परम धाम का अलौकिक ज्ञान हमारे पास है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो गीता में श्लोक बोला है, न तत्र भास्य सूर्य न शशंको न पावका, जहां सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं, यद गत्व न निवर्तन्ते तद धाम परम, मेरा वह परम धाम है। उनका परम धाम कौन है? योग माया का प्रमाण, अव्याकरण से लेकर सबलिक तक। आप में से कोई भी योग माया के बिना में नहीं जाना चाहेगा। सबसे पूछो कहां चलना चाहते हैं, सब परम धाम जाना चाहते हैं। लेकिन जो संसार के महान पुरुषों ने कहा है, गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? निर्गस्त त्रिविधम द्वारा नाशनम आत्मा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात ये तत्त्रयम् परिवर्जित। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन दरवाजे हैं और इनको छोड़ना होगा। आप सोचिए, यदि हम राज्य की शोभा को दिल में नहीं बसाते हैं तो हमें काम भी पीड़ित करेगा, क्रोध भी पीड़ित करेगा, लोभ भी पीड़ित करेगा। सुंदर साथ में भी झगड़े होते हैं। क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों शत्रु जो माया के हैं, काम क्रोध और लोभ, सबका पीछा कर रहे होते हैं। हमारा जो ये मन है, न जाने सृष्टि के प्रारंभ से कितने लाखों जन्मों में भटका है और सारी माया के सुखों का सेवन किया है। जब उसको कहा जाता है कि चितवन में बैठो तो बैठना नहीं चाहेगा, उसको बुरा लगता है। जैसे कोई अनपढ़ बच्चे को ऐसे शिक्षण संस्था में भर्ती करा दिया जाए जहां दिन रात पढ़ाई हो, सोचता है कि हम किस जल किस नरक में आ गए, हमें तो मौज मस्ती चाहिए। जिसे आप देखिए, हमारा सुंदर साथ ये मानता है कि हम राज्य के अंग हैं, इसलिए उस पर कोई नियम कानून नहीं लागू होता। आप भी पिछले वालों के कार्यक्रम में जाइए, एक हफ्ते के लिए तो कई महीने पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी और बुकिंग कराने से पहले ये शर्त रखी जाएगी कि आप अपने घर के किसी सदस्य के साथ कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। और पहले शर्त तो ये होगी कि आपके सबके मोबाइल जब्त कर लिए जाएंगे। आप सभी पति पत्नी हो
पिता पुत्र हो, भाई बहन है, तो भी अलग अलग कमरे में ठहरा दिया जाएगा और आपको बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा। यदि आप बातचीत करते हैं तो उसी दिन आपको निकाल दिया जाएगा। यदि ये शर्त रखी जाए तो मैं सोचती हूँ ये 500 साल में शायद ना आए। अब देख रहे हैं मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, कोई बगल में माता बातें कर रही है जोर जोर से, कोई वहां बातें कर रही है, कोई मोबाइल से बात कर रही है। कितनी मुश्किल से तो आपको बुलाया गया है, क्योंकि वो तड़प नहीं है हमारे पास। हमारा समाज केवल घंटी घड़ियाल में फंसा रहा आज तक, चितनों से कोसों दूर रहा और ये नहीं जानता है कि चितनों का आनंद क्या है। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में उदाहरण दिया कि जब राज्य आपसे पूछे कि आपकी क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते हैं, तो आप यही कहेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री। इससे बड़ा तो कोई पद नहीं दिख रहा है आपको। मुख्यमंत्री का पद भी तो बहुत छोटा है, कलेक्टर भी IAS बन जाएंगे तो भी बहुत छोटा है, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर जीत जाएंगे 10 साल के लिए, फिर 15 साल, 20 साल, एक दिन क्या होगा, कभी किसी ने सोचा है? इस संसार के राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी मौत एक दिन आएगी, बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आपने करोड़पति नहीं अरबपति बन जाइए, फिर भी क्या होगा, आप क्या बनना चाहते हैं? रॉकफेलर एक बहुत बड़ा उद्योगपति था अमेरिका का, बहुत संपदा थी, दुनिया में सबसे धनवान वही व्यक्ति था। लेकिन डॉक्टरों ने कह रखा था कि उबाली हुई सब्जी के अतिरिक्त कुछ भी खाओगे तो उसी दिन तुम्हें कब्र में जाना पड़ेगा। वो बेचारा अपने सामने सारे पकवान बनवाता था, मेज पर सजा लेता था, देख लेता था, कहता था कि हटा दो, क्योंकि उसको मालूम था कि जहां मैंने खाया दुनिया से चला जाऊंगा। धन कमाने में उसने अपने शरीर की चिंता नहीं रखी, धन तो आ गया लेकिन खाने का उसको अधिकार नहीं। मनुष्य अंदर होकर धन के पीछे भागता है। आज भारत की युवा पीढ़ी क्या चाहती है, मैं विदेश चला जाऊं, विशेषकर पंजाब गुजरात से तो हर कोई चाहता है, विदेश आएंगे, धन कमाएंगे, उसके बाद कोठी बनाएंगे, उसके पश्चात क्या होगा, परिवार बसाएंगे, पुनः क्या होगा? आपका धन आपके बुढ़ापे को नहीं रोक सकता, आपकी मौत को नहीं रोक सकता और आपके दुखों का अंत नहीं कर सकता। धन सुख सुविधाएं दे देगा, आपको कई लोगों से मेल मिलाप करेगा, लेकिन आपके हृदय में प्रेम नहीं ला सकता है, शांति नहीं ला सकता है, आनंद नहीं ला सकता है। आपको सोने के महल में तो बैठा देगा, सोने के महल में रहने से सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन शाश्वत आनंद, शाश्वत प्रेम, शांति कहां मिलेगी? आपको राज्य के चरणों में। लेकिन जब उस शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, जिसके लिए उपनिषदों ने कहा है कि समाधि से क्या प्राप्त होता है, श्वेताश्रम उपनिषद कहती है कि न सकेते वर्णयितुं गिरा, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। आप 100 करोड़ के महल में आप रह लीजिए तो बता तो सक रहे हैं कि 100 करोड़ का हमारा महल है, लेकिन ध्यान में जो सुख प्राप्त होगा, वाणी में क्या लिखा है, कैकुट राज बैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। एक क्षण के लिए भी यदि आपका ध्यान लग गया, राज्य की झलक मिल गई, तो उसमें इतना आनंद आएगा कि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। फिर भी आप देखिए हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा पर कितनी संख्या आती है, 10,000 से ऊपर आती है। आप 10,000 को लाख समझाइए कि भाई बैठ करके ईवल स्वरूप का ध्यान करो, कौन ही करेगा? यहां भी कई हजार सुंदर साथ आते हैं, अभी चितनों से लग रहा है कितने आए हैं, और जो आए हैं उनमें कई सोच रहे कि जल्दी से कार्यक्रम खत्म हो, यहाँ घूमे यहाँ घूमे, घूमते घूमते तो सारी उम्र गुजारती है आपने, आपका जी न जाने कितने लाखों योनियों में घूमता है। तो रहा आप अपने हृदय में ईवल स्वरूप को नहीं बसा सकते तो जीवन अधूरा है। अब
अगले कुछ वर्षों से राज्य की कृपा से चितौनी की तरफ धीरे धीरे रुझान बढ़ रही है। शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक चितौनी कराई जाएगी, रात्रि को 9 से 10 बजे तक चितौनी कराई जाएगी और कल से प्रातःकाल 6:45 से 7:45 बजे तक चितौनी कराई जाएगी। पुनः जलपान के बाद 9 से 10 तक चितौनी कराई जाएगी। लेकिन चितौनी में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए आज पहले दिन कुछ सुंदर साथ नए हैं उनके लिए मैं कुछ विशेष बातें बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी है। एक तो आपके लिए आसन के बारे में जानना जरूरी है कि बैठे कैसे। जब तक आप बैठने का अभ्यास नहीं करेंगे साधना कैसे हो सकती है। जैसे देखिए दुबई में एक बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा कहते हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत गहराई तक और बहुत मजबूती के साथ बनानी पड़ती है। कमजोर नींव पर जैसे 2 फुट की नींव डाल दिया और कह देगा कि हम तो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बनाएंगे तो क्यों होगा, बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाएगी। आप चितौनी करना चाहते हैं और आपको बैठा ही नहीं जा रहा है तो चितौनी कैसे कर लेंगे। इसलिए आसन का सिद्ध होना बहुत जरूरी है। आसन सिद्धि का तात्पर्य तथा द्वंद्व में अधिघाता, जिसका आसन सिद्ध हो जाए उसको सिद्ध उस गर्मी ठंडी से या अन्य विकारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए ये आप इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, नीचे के भी देख रहे हैं, सभी पिलर सीधे खड़े हैं और जब ये पिलर टेढ़ा हो तो क्या होगा, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं तो उस पर कितना भी रखिए झेलेगा, ऐसे पर ऐसे रखेंगे तो ये टूट जाएगा। तो अभी मैं देख रहा हूं कितने लोग झुक करके बैठे हैं, यदि आपकी कमर झुकी रहेगी तो आपकी पीठ में दर्द होता ही रहेगा। यदि आप 1 घंटा शांति से बैठ नहीं सकते हैं तो आप चितौनी नहीं कर पाएंगे। और बैठने का अभ्यास कीजिए, देखिए बैठने के लिए सरलासन है, स्वस्तिक आसन है, पद्मासन है, सुखासन है, ये और समत्वासन है, 5 आसन मुख्य हैं, इन पर बैठने का अभ्यास कीजिए। मैं एक एक आसन के बारे में बताता हूं, जिसकी जो प्रकृति हो उसके अनुसार बैठे। पहली बात तो ये है, आप विपश्यना के केंद्र में जाएंगे तो प्रायः 2-2 घंटे तक बिठाते हैं एक बार में। सरसों में जब भी शिविर लगता है तो एक ग्रुप रखा जाता है 2 घंटे वाला, लेकिन अब मैंने सोचा कि सब लोग उब रहे हैं, जबकि चितौनी में प्रगति नहीं हो 2 घंटे तक बैठाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, डर के मारे लोग बैठे रहते हैं। अब अभी देखिए मैं कह रहा हूं कि सीता होकर बैठे फिर भी 70% तक कभी भी टेढ़ा होकर के बैठे। आप कमर को हमेशा सीधा रखिए, कमर गर्दन सीधी रहेगी तो आप कई घंटों तक बैठे रह सकते हैं, आपको कभी भी दर्द नहीं होगा। यदि आपका आसन सिद्ध है तो आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि जैसे आप बिस्तर पर सो रहे हैं, आपको कभी बहना अरे भाई तुम तो नौजवान हो, तुम सीधे बैठो, कैसे बैठे हो। देखिए अपने देश के नौजवान भी आजकल इतने कमजोर शरीर के हैं कि सीधे नहीं बैठ सकते। आत्मा बल होने नहीं लगता, यदि आपके पास आत्मबल नहीं है, मनोबल नहीं है, बैठने की दृढ़ता का बल नहीं है तो भी आप ध्यान के मार्ग पर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं होता कि जो पहलवान बनेगा वो चितौनी कर लेगा, पहलवानों को तो कह दीजिए कि 1 घंटा बैठिए, उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। वो कुश्ती तो लड़ सकते हैं लेकिन आसन पर बिना हिले डुले उनके लिए बैठना कठिन होता है, जो अभ्यास करेगा वो बैठ पाएगा। तो पहली बात मैं एक सरल छोटे छोटे आसन बताता हूं, उनके विषय में भी बताऊंगा। पहले आए सरलासन, सरलासन का अर्थ होता है दोनों पैरों को एक सरल रेखा में कर देना, जैसे एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। ये आसन किन के लिए हो, देखिए जिसका आसन सिद्ध हो जाता है 80 वर्ष की उम्र में, 90 वर्ष की उम्र में, 98 वर्ष की उम्र में भी आसन पर बैठे बैठे अपना तन छोड़ देता है। और जो
आसन सिद्ध नहीं कर सकते तो आसन मत कीजिए कि आपकी चितवनी लगेगी। कुछ सुंदर साथ के मन में होता है कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। चलते फिरते चितवनी कभी नहीं हुई है न कभी हो सकेगी। उसको कहते हैं भावलीनता, भावों में डूबे रहना। जैसे आपने बीते का प्रसंग पढ़ा है, दर्शन जी की सुरता ये गुहा में पहुंच जाती है, दर्शन हो रहा होता है और गुगनी के प्रसाद खाने के लिए जैसे ही वो हाथ ऐसे करते हैं तो उनको शरीर का आभास हो जाता है, ध्यान टूट जाता है। यदि केवल हाथ हिलने मात्र से देवचंद जी की सुरता टूट जाती है, चितवनी टूट जाती है, दर्शन बंद हो जाता है, तो आप श्यामा जी इसे तो बड़े नहीं होंगे, आप चलते फिरते कैसे चितवनी कर लेंगे। इसलिए चितवनी में पहला कार्य आपको करना होगा कि कम से कम बिना हिले डोले एक घंटे तो कम से कम, दो घंटा करते हैं अत्युत्तम, आपको बैठने का अभ्यास करना होगा। तो पहला आसन है सरलासन, जो कैसा भी आदमी हो इस आसन को कर सकता है। दूसरा है समत्वासन, ये भी बहुत सरल है। आपको मूल रूप से ध्यान देना होता है कि हम बिना हिले डुले बैठिए, हाथ यदि ऐसे किए तो ऐसे मत कीजिए, आपको शरीर को भूलना है, इसी शरीर से काम लेना है, लेकिन इस शरीर की याद बनी रहेगी तो आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा, इस संसार से परे आपको चलना है। इसलिए जैसे आप सोते हैं तो क्या होता है, आप अपने शरीर को भूल जाते हैं, उसी तरह से आसन में इस तरह से बैठिए, ऐसा कर लिया तो खुजलाइए नहीं, कभी यहां मत खुजलाइए, यहां मत खुजलाइए, ऐसे भी मत कीजिए, क्योंकि जब सीधे बैठे रहेंगे तो हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेढ़ा होकर के बैठेंगे तो पीठ में दर्द होगी, गर्दन को टेढ़ी में रखिए। कई बार मैंने देखा चितवनी में अधिकतर लोग सुंदर साथ लुढ़क जाते हैं, 15 मिनट के बाद ही खरंटे भरने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उनका आसन ऐसे भी नहीं होता, जब मकान की नींव नहीं रहेगी तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी। इसलिए पहले जो भूमिका है, पहली इच्छा है आसन पर ठीक होकर के बैठने की। दूसरा आसन है समत्वासन, देखिए इस पर इसको रख दीजिए और इस पर इसको रख दीजिए, ये कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, गर्दन सीधी रखिए तो क्या होगा, इस पर भी आप काफी समय तक बैठ सकते हैं। इसको इसको करने से लाभ ये होता है कि जैसे बिजली के दो तार होते हैं, धन और ऋण, प्लस माइनस, तो इसको करने से आपका ध्यान भी तेजी से लगेगा और नींद भी तेजी से लगेगी, ये आपके ऊपर है। यदि आप ठूस ठूस कर खाएंगे तो खराटे भरना शुरू कर देंगे, हल्का आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे तो आपका ध्यान जल्दी से एकाग्र होगा। ऐसा करने से इसमें भी प्लस माइनस का काम करता है, ये दोनों ऐसे नहीं रखा जाता है, इसको इसको छुआ जाता है। ध्यान की बारीकियों में एक एक चीज का अधिक महत्व है। और सबसे पहली बात जानते हैं ध्यान के क्षेत्र में कौन प्रगति करता है, योग दर्शन का पहला सूत्र है अर्थ योग अनुशासनम। अर्थ योग अनुशासन तत्पर परंपरा से जो चला आ रहा है आप उसको मानिए, तर्क वितर्क न कीजिए। एक बार जिन्होंने सम्राट अशोक का सीरियल देखा है वो जानते हैं, एक बार बिंदुसार को उनके पिता चंद्रगुप्त ने कहा किस व्यक्ति को मारो, बिंदुसार ने जब धनुष उठाया तो व्यक्ति रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि राजकुमार मुझे मत मारिए, मैं असहाय हो जाऊंगा। चंद्रगुप्त कहता है कि मारो, मेरा आदेश है मारो। ये क्या था, ये परीक्षा थी कि बिंदुसार को मेरे कहने पर कितना विश्वास है। एक तरफ देख रहे हैं कि पिता कह रहे हैं कि मार दो, एक तरफ वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कह रहा है कि मुझे मत मारिए, मैं बहुत दुखी प्राणी हूं। अंत में बिंदुसार ने मार दिया। चंद्रगुप्त परीक्षा ले रहे थे कि मेरे कहने पर इसको कितना विश्वास है। एक पिता जो चक्रवर्ती सम्राट हो अपने पुत्र को गलत शिक्षा तो नहीं देगा, किसी असहाय प्राणी को। जब प्रजा भूखी हो तो चंद्रगुप्त भी भूखा रहते थे, आज कोई संसार में नेता तो नहीं।
आप नेताओं की ठोंठ देखिए, जनता मरे चाहे कुछ हो, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी प्रजा भूखी हो और वो स्वयं भूखा रहे। एक बार देश में अकाल पड़ गया, जब तक अकाल का कष्ट दूर नहीं हुआ चंद्रगुप्त ने उतने दिन तक भोजन नहीं किया क्योंकि प्रजा के पास भी भोजन करने के लिए अन्न नहीं था। वह चंद्रगुप्त जब अपने पुत्र को कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को मार दो तो कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होगा। कारण यह था कि उस व्यक्ति ने अपने वृद्ध माता पिता की हत्या की थी और उसको मृत्युदंड देना था। चंद्रगुप्त ने सोचा कि मैं अपने पुत्र की परीक्षा लेता हूं कि मेरा आदेश कितना मानता है। उसी तरह से यदि आप ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो जो आपका मार्गदर्शक है पहले तो उसके चयन में सावधानी रखें, किंतु यदि आपका मार्गदर्शक उचित मिल गया है तो वो जो कहता है आंख मूंद करके करना होता है। यदि आप हर चीज में कुतर्क करेंगे ये कैसे होता है, ये कैसा होता है, मैं नया रिसर्च करूंगा, तो आपका कीमती समय बर्बाद होता है। क्योंकि जो ध्यान की प्रक्रिया है ये सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है और ये चित्तने की प्रक्रिया है ब्रह्म सृष्टियों के आगमन से देवचंद जी के समय से चल रही है। तो उसमें यदि आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, मैं नई खोज करके नया तरीका अपनाऊंगा, तो परिणाम होगा कि आप भटक जाएंगे, आपके जीवन के जो अनमोल पल हैं वो समाप्त हो जाएंगे, फिर पछताना पड़ता है। श्रद्धा होती है, श्रद्धा लगते ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि यदि तुम विश्व विजेता, तुम अखंड योद्धा बनना चाहते हो, ऐसा योद्धा जिसको कोई जीत नहीं पाए, तो तुम्हें वो अच्छे वस्त्र लाने होंगे। और भेज देता है अंबिक के साथ, चंद्रगुप्त भी जाता है, पहाड़ की एक चोटी से छलांग लगाना होता है, नीचे कई तार नीचे पानी के दिख रहा होता है, कुछ नहीं। अंबिक भी होता है, कई अन्य भी मित्र होते हैं, सभी भाग जाते हैं और चंद्रगुप्त छोटा बच्चा होता है, वो पहाड़ की चोटी से छलांग लगाता है कि मैं अपने आचार्य के लिए, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए इस चोटी से छलांग लगाता हूँ। सबको मालूम था कि जो इस चोटी से छलांग लगाएगा जीवित बचेगा नहीं, लेकिन जब चंद्रगुप्त गिरता है बाल्यावस्था में तो पानी में डूबते डूबते ऋषियों के पास पहुंचता है, जो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि चंद्रगुप्त आएगा तो उसको वे अमोघ वस्त्र दिए जाएंगे जिससे वो भारत का सम्राट बन सके। चंद्रगुप्त की श्रद्धा ने उस लक्ष्य तक पहुंचाया। जब चंद्रगुप्त अंबिक की तरह स्वार्थी हो जाता कि मैं क्यों अपने प्राण देना चाहूं, चंद्रगुप्त तो ये चाह के तो मुझे मरवाना चाहते हैं, तो क्या होता, चंद्रगुप्त तो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक घटना मैं आपको बताता हूं, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी। छत्रपति शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा मेरे गुरु दक्षिणा है कि मुझे सिमनी का दूध चाहिए। आप लोग होते तो क्या करते, मैं तो छोटी सी सेवा करता हूं तो कोई ना कोई बहाना निकल जाता है, मैं तो समर्थ गुरु रामदास जैसा महान नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। शिवाजी जानते हैं कि सिमनी का दूध दोने का मतलब अपने प्राणों पर संकट डालना, लेकिन समर्थ गुरु रामदास का आदेश है कि सिमनी का दूध मुझे चाहिए, क्योंकि जो सिमनी का दूध दूध लेगा वो पूरे भारत को जीतने की सामर्थ्य रखता है। यही श्रद्धा तो महान बनाती है। और इस सुंदर साथ में भूमि नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ के बीमार के काफी कट अनुभव मुझे ही रहते हैं, मैं सोचता हूं कि इनकी सुरता कैसे लगेगी। आप देखिए शिवाजी अपने गुरु का आदेश मानकर जाते हैं, सामने सिमनी दिखाई देती है, सिमनी से कहते हैं कि माता मुझे दूध चाहिए। सिमनी लेट जाती है और दूध दो करके ला देते हैं। जो भेज रहा है वो जानता है कि ये तो उसकी परीक्षा है और भेजने वाला उसके पहले सुरक्षा करके ही भेजेगा, ऐसे खतरे में नहीं डालेगा कोई भी गुरु। लेकिन जो कच्चे मन के होते हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। राज्य ने कह दिया है, हक ने
नजीक से रख से आओ पटन द्वार। मैं तुम्हारे प्राण की मैंने सब निकट हूं, लेकिन सुंदर साथ को विश्वास नहीं है, वो चारों तरफ भागता फिरता है। कबीर जी ने कहा है कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ठुमरी बनो है, ऐसे घटघट ना राम में दुनिया देखत ना है। पूरी वाणी का सार तो एक पंक्ति में कहा जाएगा तो यही है, हक नजीक से रख से परम धाम में थे यहां भी है, लेकिन अपने धाम मध्य में कौन देखने का प्रयास करता है, किसी को विश्वास नहीं होता, केवल आरोप पर आरोप लगा देते। वही बात यदि मैं कहूं कि लाओ प्यार करो दीदार, वाणी में लिखा है आपको राज्य मिल सकते हैं, तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। यदि आपको कहा जाए कि आप ऐसा कीजिए तो सोचते हैं कि ये तो बातें कहती जाती हैं। इसलिए योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है, अथ योग अनुशासनम, आपको जो कहा जा रहा है वो कीजिए, प्रश्न खड़ा मत कीजिए। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग न कीजिए, बुद्धि से सोचिए कि एक सत्य है, पहले ही चयन कर लीजिए कि सत्य है तो सत्य है। ऐसे हमारे समाज में चितोने की प्रक्रिया बहुत चल रही है अनेक तरह से, कोई ध्यान की प्रक्रिया को रट्टा मार, जैसे अब देखते हैं रात्रि का जो स्वरूप है कुछ सुंदर साथ उसको याद कर लेते हैं, उसको दोहराते जाते हैं, तो उनके जो अनुयायी होंगे वही सीखेंगे कि 25 बच्चों का ब्रह्म एक बार पढ़ लिया उसको दोहराते गए तो वो चितोने का मार्ग नहीं। कुछ सुंदर साथ में कर लिया कि हम चलते फिरते याद कर लेते हैं, तो वो अपने अनुयायियों को वही प्रक्रिया सिखा रहा है। चयन करने से पहले ही सोचिए कि हम किस मार्गदर्शक के पास जा रहे हैं, और यदि आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है कि यह पूर्णतया सच है तो उसकी बातें आंख मूंद करके माननी होती है, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसलिए मुगानंद योग की जो रचना की गई ताकि सुंदर साथ को सच्चाई का बोध हो सके कि वास्तव में चितोने का मार्ग क्या है। चितोने का तात्पर्य क्या है, हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए, हम शरीर से परे हो जाएं, इंद्रियों से परे हो जाएं, मन बुद्धि सोचना बंद कर दें, जीव भाव से परे हो जाएं, हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार करके सीधे राज्य को देखने लगे, ये चितोनी है। लेकिन बीच के में ऐसे भी समय रहा जब सही मार्गदर्शन नहीं हुआ और सुंदर साहब भटक गया, उसने किसी ने सेवा पूजा को सर्वोपरि मान लिया, किसी ने पाठ को मान लिया, किसी ने केवल चर्चने को याद करने जीवन का लक्ष्य मान लिया, किसी ने उसको दोहराने मान लिया, लेकिन चितोनी का तात्पर्य क्या है, हमारी अंतर्दृष्टि सबसे परे हो जाए और राज्य को देखने लगे। अभी मैं केवल आसन के बारे में बता रहा था, मैं उस पर पुनः मुड़ता हूं। देखिए हमारे शरीर की प्रकृति होती है कफ वात पित्त की, तो जिनके कफ प्रवृत्ति होती है उनके लिए सिद्धासन सर्वोपरि है, और जिनके पित्त प्रवृत्ति होती है, पैर पतले होते हैं कोमल होते हैं, उनके लिए पद्मासन अच्छा होता है। पद्मासन में कुछ अलग विशेषता है, सिद्धासन में कुछ अलग विशेषता है, स्वस्तिक आसन में कुछ अलग है, हर आसन की अलग अलग विशेषता है। आपके शरीर की जैसी प्रकृति हो उसके अनुसार उस आसन का चयन कीजिए, और हमेशा सीधा होकर बैठने का अभ्यास कीजिए, नहीं तो आप सागर सिंगार याद किए रहेंगे, सब कुछ रहेगा, मेन मकान की कमजोर हो जाए तो ऊपर कितने भी मजबूत सरिया डालिए सीमेंट डालिए बिल्डिंग को भरभरा कर गिर जाना है। तो जिसमें कफ की प्रवृत्ति हो, अस्थमा का रोग है या सांस उखड़ती है, उनके लिए सिद्धासन इस दृश्य जरूरी थी। सिद्धासन का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष का आसन, ये पूर्णतया खड़ा आसन है, यह आसन पहले कहता है कि मेरा आधार लेना है तो बुरे विचार मन में मत लाओ, यदि बुरे विचार लाओगे तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा, और यह सच है। यदि सिद्ध आपके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं तो सिद्धासन आपको लक्ष्य तक भी पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, इसमें लंबे समय तक बैठाने की क्षमता है, नीचे की प्राण वायु ऊपर चढ़ने लगती है, बहुत आसन प्राणायाम से जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है केवल बैठने मात्र से हो जाता है। तो इसमें पैर की हड्डी को
द्वारा और उसके ऊपर रखा जाता है, इसको ऐसे कर लिया जाता है, ऐसे कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ठंडे मौसम में भी आप आराम से बैठे रह सकते हैं सिद्धासन के द्वारा। सिद्धासन का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष का आसन। गुफा में योगी यति इसी का आसन लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन यह शर्त यही है कि आप बुरे विचार न पैदा कीजिए मन में, अनिष्ट चिंतन नहीं करना है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में कहा गया है अनिष्ट चिंतन, किसी विषय का चिंतन करना अनिष्टकारी होता है। और इसके आगे जो आसन होता है पद्मासन, पद्मासन में क्या विशेषता होती है, जैसे गर्मी का भी मौसम है, जैसे आजकल तो एसी कमरों की व्यवस्था हो जाती है, जब एसी का आविष्कार नहीं हुआ था हर कोई हिमालय में तो जा नहीं सकता था, जो झोपड़ियों में ध्यान करना होता था, गर्मी का मौसम था, तो योगी क्या करते थे, वो पद्मासन का अभ्यास किए होते थे और शीतले प्रणाम करके पद्मासन पर बैठ जाते थे, तो उनको कुछ भी गर्मी का असर नहीं होता है। पद्मासन क्या है, एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ा लेना, ये जबरन यहां चढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ सुंदर साथ क्या करते हैं यहां तक चढ़ाते हैं इसको वहां तक चढ़ाते हैं, परिणाम क्या होता है ये मसल्स पर दबाव पड़ता है, आधे घंटे में उठ करके हटा लेते हैं। स्थिर सुखम आसन, जिसे स्थिरता पूर्वक सुख से बैठा जा सके वो आसन है। सुखासन में विशेष पद्मासन में विशेषता है कि यदि आपका सिद्ध हो गया तो जैसे कमल का परिणाम होता है वैसे ही आपका हृदय बन जाएगा, जैसे कहते हैं ना नेत्र कमल, हृदय कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, सम्मुख कमल शब्द जुड़ा है। कमल में क्या है, सुगंधि है, कोमलता है, सौंदर्य है, तो आपका हृदय भी विकारों से रहित हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप पद्मासन पर बैठे रहिए, आपने पौराणिक ग्रंथों में सुना होगा कि किस तरह से दधीचि की तपस्या है, विश्वामित्र की तपस्या है, इंद्र भेजते हैं स्वर्ग से अप्सराएं भेजती हैं, रंभा है, मेनका है, उर्वशी है, और ऋषियों की तपस्या टूट जाती है। किंतु यदि वे पद्मासन पर बैठे हो, क्या बैठे रहिए, आपके सामने कोई भी विकार वाली वस्तु है आप अपना आसन न छोड़िए, तो पद्मासन में सामर्थ्य है कि आपके मन को शांत कर देगा। वो अवस्था सुखासन में नहीं आ सकती, पद्मासन में भी है। सिद्धासन पर बैठने के बाद आप बुरा न सोचिए, जो लक्ष्य लेकर चले हैं तो सिद्धासन में क्षमता है कि सूर्य के नोक पर भी आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, ये आसन सिद्धि में भी होता है। और सबसे बड़ी बात कि सिद्धासन में शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है। जो युवक होता है सिद्धासन में बैठता है तो बच्चे के समान लगने लगता है, जो बूढ़ा व्यक्ति सिद्धासन करेगा वो युवा की तरह लगने लगता है, शरीर में कोई अशुद्धि नहीं रहने पाती। इसलिए सिद्धासन और पद्मासन ध्यान के दृष्टि सर्वोपरि माने गए हैं। तीसरे नंबर पर आता है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन यानी ये सिद्धासन से थोड़ा हल्का होता है, ये ऐसे करके स्वस्तिक के चिन्ह जैसे बनता है इस तरह से बन सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे जब करते हैं तो ध्यान रहे कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यदि आप ऐसे झुक करके बैठेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। आप ऐसे बैठे रहिए, आप पूरी पूरी रात बैठे सकते हैं, 6-6 घंटे बैठे रह सकते हैं, 8-8 घंटे बैठे रह सकते हैं। लेकिन यदि आप बैठने का ही अभ्यास नहीं कर पाए तो देखिए, अभी आप बैठे हैं, पीठ आपकी टेढ़ी है, आप टोपी वाले, आप पीठ सीधी कीजिए, अभी कमर सीधी नहीं है आपकी, देखिए ऐसे नहीं तो दर्द होता है। ये पहली कक्षा है, जब तक आप आसन का अभ्यास नहीं करेंगे लंबे समय तक आप में बैठने की सामर्थ्य नहीं आएगी। जब आसन शुद्ध हो गया इस तरह से बैठिए कि शरीर की विस्मृति हो जाए, शरीर भूल जाए,
फिर धीरे धीरे संसार भूलने लगेगा, आपकी आत्मा के सामने आपके प्राण उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन आसन सिद्ध नहीं है, थोड़ी देर में ये खुजला रहे हैं, ये खुजला रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, झपके लेने लगे। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि रतनपुरी में एक बार चितवन शिविर लगा था, सरकार से जैसे कराना शुरू किया, 5 मिनट के बाद एक व्यक्ति गिर गया और खर्राटे लेने लगा। तो क्या करेगा चितवन? जो व्यक्ति एक घंटा बैठ नहीं सकता, आप विपस्सना वाले में जाएंगे तो उसे दिन निकाल करके भगा देंगे, वो तो 2-2 घंटे बैठाते हैं। और लोग दुनिया भाग करके जा रही है, हमारे समाज में केवल कर्मकांड का इतना बोलबाला है कि चारों ओर कर्मकांड का ही डंका बज रहा है। केवल एक छोटा सा अपना समूह है जिसमें चितवने की प्रक्रिया चल रही है, राज्य करें चितवने की विधान सारे संसार में फैले, क्योंकि ये चितवने ही है जो सारे संसार को परमधाम के दर्शन कराने की सामर्थ्य रखती है। तो आज की पहली कक्षा में मैंने केवल इतना बताया है आसन के बारे में। यदि आपके पैर कठोर हैं तो आप निश्चित हैं आपकी मसल्स की कठोरता का, आपने मिर्चा खूब खाया है, नमक खूब खाया है, तो इसको कम कीजिए। आप उत्तेजक आहार खाकर ध्यान में मग्न नहीं रह सकते। अपने पैरों में थोड़ा सा नारियल के तेल की मालिश कीजिए कि मसल्स कोमल बने। नमक का प्रयोग कम कर दीजिए, मिर्च तो छूए ही नहीं। इसके बारे में यदि शाम को मंच होगा तब या कल मैं विस्तार से बताऊंगा कि आहार का क्या प्रभाव पड़ता है। सबको सागर श्रृंगार परिक्रमा की टीका दी जा चुकी है, नक्शे दिए जा चुके हैं, अब उन बातों पर नहीं मैं बताऊंगा कि राज्य का मुखारविंद कैसा है, आप लोग बड़े से पढ़िए। मैं नई नई बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा, जो लिखा नहीं गया या लिखा भी गया है तो संक्षेप में कहा गया है। कल संभवतः मैं समाधि तक पहुंचने के बारे में बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, जो किसी ग्रंथ में विस्तार से नहीं लिखा गया है, और अब तक उस पर कभी मंच पर मैंने भी खुल करके नहीं बोला है। लेकिन ऐसी चीजों के करते समय आपको भी कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। जब मैं बोलूं तो ऐसा ना हो कि चार माताएं वहां खड़े होकर के प्रवचन शुरू कर दें, अभी एक लड़की जो है उधर जोर जोर से मोबाइल पर ही बात करती जा रही है। देखिए, पर ब्रह्म ज्ञान के शिविर में ये तो ज्ञान से भी परे चितवनों के शिविर है, इसमें इस तरह के अनुशासन हीनता होगी तो सबका आनंद छिन जाएगा, मेरा भी मन व्यथित हो जाएगा, तो मैं वो सारी बातें क्यों कहूंगा। जो चीज केवल परमहंसों के बीच में बात रही है, यदि राज्य की कृपा से कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ है, मैं सबको वो बताना चाहता हूं, और उसमें सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी तो मैं भी अपने हाथ खींच लूंगा, क्योंकि ऐसे वातावरण में वो बातें करना वैसे ही है जैसे ऊसर भूमि में बहुत अच्छे बीज को डालना, उसको डालेंगे उगेगा नहीं। वैसे ही जहां ऐसा माहौल हो शोर शराबे का, कोई शांति से बैठ नहीं सकता है, नीति की शिक्षा है कि वहां ध्यान की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना पात्रता के किसी को भी वो दिया जाए, अब किसी अनजान व्यक्ति को हीरा दे दीजिए तो क्या समझेगा, शीशे का टुकड़ा समझ करके फेंक देगा। वैसे जिस प्रक्रिया से मैंने समाज जीवन में देखा है, एक एक छोटी छोटी बात के लिए मैं महात्माओं के बीच में कहूँ हूँ, तो वो तो कठोर सेवा कराते हैं तब छोटी सी बात बताते हैं। आपसे तो कोई सेवा भी नहीं कराई जाती, मैं आपसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ, मैं इतना कहता हूँ कि संति से बैठे रहिए, जो मर्यादा है अनुशासन उसका पालन कीजिए, और अपनी आत्मा की जागृति के लिए चितवने के मार्ग पर चलिए, उसमें भी यदि उल्लंघन होता है तो मैं भी केवल औपचारिकता पूरी कर लूंगा, क्योंकि नियम तो नियम है, अनुशासन तो अनुशासन है। यदि आप चितवने की बातों को अंगीकार करेंगे, कैसे हमें ध्यान में बैठना है, कैसे हमें शांत रहना है, तभी आपकी आत्मा जागने के पथ पर चल पड़ेगी। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज भले ही यहाँ भी गूंज रही हूँ, यूट्यूब के माध्यम से बाहर जाएगी, सब सुंदर साथ इसे लाभान्वित होंगे। इसके बाद का जो मैं प्रवचन करूंगा वो केवल
ध्यान की प्रक्रिया से रहेगा, लेकिन समाधि वाला विषय उसके बाद होगा, जब मैं देखूंगा कि सभी शांत से बैठे हैं, सुनने वालों में ग्राहकता है, तो उसके बारे में वैसे बोलूंगा। जिस सुंदर जात के मन में कोई संशय होता है अपनी चितवनी संबंधित, वो कागज पर लेकर सत्संग जी को दे दिया करें, उनकी समस्याओं का भी समाधान होता रहेगा। आपके मन में जो भी विचार उठते हैं उसको व्यक्त अवश्य कीजिए, क्योंकि ये चितवनी शिविर है, सबकी समस्याओं का समाधान होगा तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो विश्वास बढ़ेगा, और तभी आप चितवनी के पद पर चलेंगे। मैं सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। आप पंडित जी आए हैं, दर्शन करने का भी समय मिलेगा, लेकिन जो ध्यान का समय है उसको मत छोड़िए। जो विशेष रूप से जो मेरे समझाने का समय है उसमें आप कहीं भी हो तो समय पर उपस्थित अवश्य रहिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात को कहता रहा, इसमें केवल समय की बर्बादी होती है, और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो साधना के क्षेत्र में स्वाभाविक है कि आपको पीछे रहना पड़ेगा।